अरब और इसराइल के बीच चल रहा संघर्ष नहीं किस ओर जाएगी, आने वाला समय के लिए ये कितना बड़ा मुसीबत खड़ा होगा कहना मुश्किल होगा। जिस प्रकार से इसराइल गाजा पट्टी के ऊपर बमबारी की है और वहां समस्याएं पैदा की है वह निंदनीय है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और एक बड़ी आबादी को बड़ी ही और नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बदले की भावना से की गई ये कार्रवाई कतई उचित नहीं होता है, क्योंकि इनमें तमाम बच्चे और जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनका क्या? क्या इसराइल इस प्रकार से हमले करके दुनिया से अपनी सहानुभूति को खोना चाहता है? दुनिया के 2 अरब मुसलमान एकजुट हो रहे हैं और क्या ये इतनी बड़ी आबादी को अपना दुश्मन बनाने के लिए तैयार है? ये हो सकता है समय के साथ राजनीतियाँ बदल रही है, अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, लेकिन अमेरिका का समर्थन भी कब तक प्राप्त है? जो भी हो, बदले की भावना से जो कार्रवाई हमास के लिए किया जा रहा है उससे वहाँ के नागरिकों को बड़ी मुश्किलें हो रही है और नागरिकों का जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ही बद से बदतर होता चला जा रहा है। तो बदले की भावना से यह कार्रवाई ठीक नहीं है, उन्हें इसका राजनीतिक समाधान ढूंढने की जरूरत है। लंबे समय तक शांति व्यवस्था कैसे कायम हो सकती है उसकी ज़रूरत है, न कि हमास को मिटाने के नाम पर गाजा पट्टी की तमाम आबादी को बर्बाद करने या उसको मार देने या उसके जीवन को नारकी बना देने से है। यह एक प्रकार का आने वाले समय के लिए विस्फोटक रूप लेगा, जो निश्चित रूप से ही आने वाले समय के लिए शांति कायम नहीं रख सकता। इसलिए ज़रूरत उस बात की है कि दुनिया के तमाम देश इस समस्या का समाधान ढूंढे, इसके साथ एक समाधान निकाले और इसराइल को भी अपने रूप में नरमी बरतने की जरूरत है। जहाँ तक सवाल हमास का है तो हमास के साथ जो कार्रवाई करनी है वो धीरे धीरे की जा सकती है, न कि बदले की भावना।